आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, अब वाईफाई आप किसी वाईफाई को आप शेयर करना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो आप उसे कैसे शेयर कर सकते हैं। आपने कनेक्ट कर रखा है लेकिन आप दूसरे व्यक्ति को शेयर करना चाहते हैं, अपने दोस्त को फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं, वो कनेक्ट कैसे कर सकता है। तो जैसे कि मान लेते हैं इस फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट है, ठीक है। अब आपको दूसरे फ़ोन में कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको देखो क्या करना है, आपको अपने वाईफाई पे लॉन्ग प्रेस करना है वाईफाई पे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप वाईफाई पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्यूआर कोड का, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये ऑप्शन दिख गया क्यूआर कोड का, अब उस जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है उससे ये कहना है कि आपसे क्या करना है, आप जैसे कि ये देखो वाईफाई का लोगो है दूसरे फ़ोन में, उसे आपको उसे दबा के रखना है। जैसे वो दबा के रखेगा वहाँ पे इस तरीके से वाईफाई को ऑन करेगा, फिर यहाँ पे एक स्क्रीन का ऑप्शन दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो रहा, ठीक है, इधर करके थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखो रहा, इस पर क्लिक करना है उसे, और क्या करना है उसे, वो क्यूआर कोड है इस तरीके से स्कैन कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं स्कैन हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्ट हो गया है, ये देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है तो आपको देखो क्या करना है, जो ये क्यूआर कोड है इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में एक ऐप दिखेगी जिसका नाम होता है गूगल, ठीक है, या फिर गूगल लेंस। उस ऐप पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गूगल लेंस पे, उसके बाद जो भी ये जो है इस तरीके से इस पर आपको क्लिक करना है, और आप अभी देखेंगे जैसे ही स्कैन करेगा उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देख सकते हैं नेटवर्क नेम भी आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देख पा रहा है इस तरीके से, और वो कनेक्ट भी कर लेगा इजीली तरीके से। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।